राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान कांग्रेस कर सकती है यहां पर राजस्थान में गठबंधन। ये बड़ा मामला सामने आया क्योंकि अब गठबंधन के संकेत यहां पर सचिन पायलट ने दिए हैं। बसपा और अन्य दलों से गठबंधन के संकेत पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने दिए और इसके लिए सम्मानजनक और प्रैक्टिकल बात लेकिन जरूरी है, यानी कि संकेत दिए गए हैं गठबंधन हो सकता है जिस तरह से सचिन पायलट ने ये संकेत दिए हैं, यानी बसपा और दूसरे दलों के साथ गठबंधन कांग्रेस कर सकती है राजस्थान में। तो बड़ी और अहम खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं, जिस तरह से पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने यहां पर संकेत दिए हैं गठबंधन कर सकती है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस दावे जीत के कर रही है कि इस बार बहुमत के साथ सीट लेकर आएगी, यानी जीत दर्ज करेगी, राजस्थान में सरकार बनाएगी। लेकिन अब जिस तरह से संकेत सचिन पायलट ने दिए हैं, कहना उनका यही कि बसपा से गठबंधन हो सकता है। चुनाव आ गए हैं तो चर्चाएं लगातार होती रहती हैं और आज भी हम सबने सभी वरिष्ठ नेताओं से, जो एसीसी के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनसे बात करी है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। राहुल गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है अक्टूबर के महीने में, उसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और आज हमने इस बात पर चर्चा करी कि चुनाव में जाते समय सिद्धांतों पर और इशूज़ में सबको साथ लेकर चलेंगे, जो भी लाइक माइंडेड सेकुलर दल हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और अगर गठबंधन भी करना है हम लोगों को राजस्थान या बाकी प्रदेशों में तो उसमें केस बाय केस बेसिस पर विद एन ओपन माइंड हम लोग करना चाहते हैं। एक रिस्पेक्टेबल रिस्पॉन्सिबल और साझेदारी वाली बात अगर गठबंधन की आएगी तो उसमें हम सब ओपन माइंड से काम करने को तैयार हैं। सभी लाइक माइंडेड पार्टीज जो जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन सभी दलों से पार्टी दिल्ली के लेवल पर चर्चा कर रही है, अलग अलग राज्यों में चर्चा कर रही है, स्टेट स्पेसिफिक गठबंधन की बात भी हो रही है। किया था अलायंसेस करने के लिए, प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस, और आज भी हम लोग कहते हैं कि हम सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल और प्रैक्टिकल अगर सभी दल मिलकर बात करते हैं तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं देखिए, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसके साथ में हम पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस की भूमिका बहुत स्पष्ट है कि हर एक वो राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी को इस समय में हमें अगर मुकाबला करना है तो सामूहिक रूप से करना होगा और उसमें अगर न्यायोचित रूप से अगर सीटों के को लेकर और जितनी उनकी उपस्थिति है जो उनकी ताकत है। और राफेल पर क्या कुछ कह रहे हैं अशोक गहलोत, चलिए वो सुनते हैं। लेकिन पेट्रोल का दाम जो है उसको लेकर अब कांग्रेस ठंडी पड़ती जा रही है जिससे थोड़ा सा मायूस फील। कांग्रेस ठंडी नहीं पड़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम से पूरा देश का किसान आक्रोश कर रहे हैं, लगातार उठाई जा रहे मुद्दे को कांग्रेस। भारत बंद अपना आप में है, भारत बंद अपना आप में एक संदेश था सरकार के लिए। अगर डेमोक्रेसी में विश्वास होता सरकार का, जो हम बार बार कहते हैं कि इनका विश्वास नहीं डेमोक्रेसी में, तो वो खुद ही उस दिन के बाद में प्रक्रिया शुरू करते, क्या क्या कदम उठाए जिससे कि पेट्रोल डीजल के दाम पे रोक लगे और कम हो जाए, क्योंकि ये तो पूरा खेल सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि जो एक्साइज लगती है या राज्यों वैट लगता है वो सरकारें लगाती है। इनके हाथ में है कम करना, जैसे मैंने खुद ने मेरे वक्त कम किया था, मैंने एलपीजी गैस पे भी 25 रुपये कम कर दिए, तो ये तमाम गवर्नमेंट के हाथ में। अभी तो जो मूल कीमत है